सब लोग आ गए हो। अरे आपको एक बहुत ही खास बात बताने वाले हैं आज। कल मैं जो हमारे पाकिस्तान थे, मैं मुजफ्फर खान से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो हमारा पाकिस्तान है बहुत तरक्की कर रहा है, तुम्हारा इंडिया क्या तरक्की कर रहा है, हमारे पाकिस्तान में ईमेल से शादी हो जाती है। मैंने कहा भैया हमारे हिंदुस्तान में तो फीमेल से ही होती है। और भाइयों बहनों, मित्रों, भाइयों बहनों, मित्रों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूँ। आपको निराशा होगी, तकलीफ होगी, लेकिन आपको सहन भी करना होगा। कल रात आठ बजे घबराइए नहीं, इस बार बदलने वाला कुछ नहीं है। कल रात आठ बजे मैं टीवी देख रहा था, 9:30 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाइयों बहनों, 9:30 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा और कार्तिक का झगड़ा हो गया। भाइयों बहनों, नायरा जी ने खोए के लड्डू बनाए थे और मित्रों कार्तिकों ने बिना खाए ही सो गया। क्या लड्डू बनाने में मेहनत नहीं लगती? मैं 100 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूँ, मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूँ, कार्तिक को लड्डू खाने चाहिए था कि नहीं खाने चाहिए थे? मुझे जवाब दीजिए, कार्तिक को लड्डू खाने चाहिए थे कि नहीं खाने चाहिए थे? हम पे इल्जाम लगते हैं, आपके जमाने में मुझ पे इल्जाम लगता है कि आपके जमाने में जो गाने आते हैं वो हमारे जमाने में जो गाने आते थे वो संस्कारी गाने आते थे। आपके जमाने में गाने आते हैं लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। भाइयों बहनों, मैं जवाब चाहता हूँ, मुझे जवाब दीजिए, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, अगर किसी को छूने से 440 वोल्ट के बिजली उत्पन्न होती है तो इसमें कोई घाटा है क्या? हम ऐसे ही बिजली उत्पन्न करेंगे। भाइयों बहनों, जुमला बनते रहते हैं। अभी अभी एक गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है। मित्रों, बेबी को बेस पसंद है। भाइयों बहनों, बेबी को बेस पसंद होगा, मैं विश्वास से कहता हूँ। भाइयों बहनों, मित्रों, बेबी को बेस पसंद होगा, लेकिन हमें तो आप लोग पसंद है। भाइयों बहनों, मैं बचपन में ट्रेन में चाय बेचता था। मित्रों, मैं बचपन में ट्रेन में चाय बेचता था। एक सज्जन चाय का ग्लास पकड़ते ही बोले, देखिए भैया न इसमें चीनी है न चाय है, क्या है? मैंने कहा कप अभी खाली है, चाय डाली कहाँ है? मैंने सुना, भाइयों बहनों, मैंने सुना सोनम गुप्ता बेवफा है। भाइयों बहनों, मैंने सुना सोनम गुप्ता बेवफा है। भाइयों बहनों, मुझे जवाब दीजिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर सोनम गुप्ता बेवफा है तो क्या ये नोट पे लिखने की बात है? मुझे आप लोग बताइए। भाइयों बहनों, एक सोनम गुप्ता के बेवफा हो जाने से इतना कोहराम क्यों मचा हुआ है? इतनी बात जब हुई तब तक हमारे सनी देओल जी आ गए। अगर आप लोग 2.5 किलो का हाथ सुनना चाहते हैं तो मैं 2.5 किलो का हाथ ही सुनाऊंगा।
काजल, जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और कोई जाने आप, और कोई डायलॉग सुनो। काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो मैं उससे कुछ नहीं कहूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। जब कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है तो शुरुआत के 10 दिनों में भैया उसे किसी न किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है। और मैं आपको बताऊँ, उसके बाद हमारे HOD सब सोते हैं, वो हमें डांटते हैं। इसके लिए मैंने एक अर्ज किया है, आसमान में एक काली घटा छाई है, आज हमने फिर HOD सर से डांट खाई है। आसमान में काली घटा छाई है, आज हमने फिर HOD सर से डांट खाई है। वो कहते हैं सुधर जाओ, पर हम कैसे सुधरे, मेरे कॉलेज की लड़की आज फिर से पटाखा बन के आई है।